इस बार जो 26 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें संविधाओं के नाम पूछ लिए थे कि नवग्रहों की संविधाओं के नाम बताइए। तो उन्होंने एक अलग अलग जो प्रैक्टिस सेट दिए थे उसमें किसी में सूर्य दे दिया था, किसी में चंद्र दे दिया था। तो भैया नवग्रह संविधाओं के नाम अर्कः पलसः खद्रः स्तब्ध पा मार्गोत पिपलः उदम्बरः समी दुर्बा उशास्त्र समधा सत्यभौमा। अब ऐसे समझ लेते हैं कि सूर्य की संविधा अर्क है, चंद्र की संविधा पलाश है यानी कि जिसे हम लोग खाकरा की जो लकड़ी होती है उसे बोलते हैं, मंगल की संविधा खदिर है जिसे खैर का काष्ठ बोलते हैं, बुद्ध की संविधा अपा मार्ग यानी कि इसकी लकड़ी होती है, बृहस्पति यानी कि गुरु की संविधा पीपल की लकड़ी होती है पीपल काष्ठ, शुक्र की संविधा उदम्बर यानी कि गूलर की लकड़ी होती है, शनि की संविधा समी की काष्ठ की लकड़ी होती है यानी कि जो खजड़ा बोलते हैं इसे हम, राहु की संविधा दूबा होती है और केतु की कुशा जिसे हम दरभा भी बोलते हैं। प्रत्येक हिंदू मास को 15-15 दिनों में बांटा गया है जिसे हम लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो इन्हीं में कुछ तिथियां होती हैं जो शुभ होती हैं, कुछ अशुभ होती हैं। इन्हीं में तिथियों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। तिथियों की नंदादि संज्ञा जिसमें नंदा तिथि की जो तिथियाँ हैं इसमें प्रतिपदा पहली छठी यानी कि षष्ठी और एकादशी यानी कि 11 ऐसी भद्रा तिथि की तिथियां हैं वो द्वितीय सप्तमी और द्वादश यानी कि 7 और 12 तिथि, ऐसे ही जया तिथि तृतीय तिथि अष्टमी त्रयोदशी। तो जया तिथि को की जो तिथि है तृतीया है अष्टमी है और त्रयोदशी है, ऐसी रिक्ता तिथि की जो तिथियाँ हैं चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी, पूर्णा तिथि की जो तिथियां हैं पंचमी दशमी पूर्णिमा और अमावस्या। तो पूर्णिमा के बाद फिर अमावस्या आती है यानी कि शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आएगा। तो 5 तिथियां आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी प्रश्न पूछ लेते हैं यहाँ आपकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में जो 5 पॉइंट पूछे जाते हैं उनको मैं यहाँ पे एक एक करके आप लोगों के सामने रखूंगा। वीडियो लंबा होगा 2 पार्ट में आएगा, पूरा आप लोग देख लेना। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि अंत्येष्टि संस्कार में 5 पिंड दिए जाते हैं और 5ों पिंडों का अलग अलग स्थान होता है, अलग अलग उनके मंत्र होते हैं। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पिंड किसके बनाए जाते हैं, तो पिंड जो है आटा है घी से निर्मित करते हैं सबको मिला के। तो हम 5 गोल पिंड बनाते हैं और जब किसी की अंत्येष्टि हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम 5 पिंडों को किस प्रकार रखते हैं, किस प्रकार उनको सजाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मंत्र ये है, आप लोग चाहो तो मंत्र याद कर लेना। नमः हम, यहाँ पर मृतक का नाम पहले लेना है, इसके बाद मृत्यु स्थाने सब निमित्त को ब्रह्म देवतो बा एस ते पिंडो मया दिए ते तबो प्रतिष्ठतम। सब में यही मंत्र है, खाली नाम बदल जाएगा और देवता किसके लिए आप पिंड दे रहे हो ये 2 चीज़ें चेंज हो जाएंगे, बकाया स्वयं रहेगा। तो प्रथम पिंड घर के अंदर और पिंड को कमर पर रखा जाता है। इसके बाद दूसरा है वही सेम मृतक का नाम आ जाएगा यहाँ पे, द्वार देशे पांथम निमित्त ऐसते पिंडो मया दीते तब वो तिष्ठता। तो दूसरा पिंड बाहर सब सैया के पास दिया जाता है और पिंडो को बच्चे की संधि यानी कि बच्चे के बिल को बीच में रखा जाता है। तीसरा पिंड देना है चतुर स्थाने खैचा निमित्त को विष्णु भगवान को अर्पित करना है, देवता वे ऐसते पिंडो मईते तपो पृष्ठथाम यानी कि मार्ग पर देना है और पेट पर रखना है। चौथा पिंड शमशान स्थाने विश्रांति यानी कि शमशान पर देना है और भैया रुद्र देवता को अर्पित है। ये मंत्र है, श्लोक है, याद कर लो। इसके बाद देखो हिसाब सब लिखा है, शमशान में और छाती पर देना है। पांचवा पिंड हमको वही सेम मंत्र पढ़ना है, चिता स्थाने वायु निमित्त को। इसके बाद देखो भैया चितारोहण के बाद सिर पर रखना है इसको, यम देवता के लिए इसको अर्पित करना है। प्रत्येक पेपर में दर्शन शास्त्र से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, उनके प्रवर्तक पूछ लेंगे या फिर किसी दर्शन का नाम पूछ लेंगे। वैसे हमारे 6 दर्शन शास्त्र हैं जिसमें न्याय दर्शन जिसके प्रवर्तक हैं गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन जिसके कलाद ऋषि हैं, योग दर्शन जिसके प्रवर्तक महर्षि मतंजलि हैं, मीमांसा दर्शन जिसके प्रवर्तक जैमिनी ऋषि हैं, सांख्य दर्शन जिसके कपिल मुनि हैं और वेदांत दर्शन जिसके महर्षि वेदव्यास जी हैं।
कौन कौन से दर्शन हैं, तो चार्वाक सिद्धांत जैसे हम लोकाय दर्शन भी कहते हैं, लेकिन इसको हम नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। ऐसे ही आपके बौद्ध दर्शन हो गए, तो इसके प्रवर्तक बौद्ध हैं, और चार्वाक दर्शन के जो प्रवर्तक माने गए हैं वैसे वो बृहस्पति माने गए हैं। जैन दर्शन है, शैव दर्शन है, पशुपति दर्शन है। तो पशुपत दर्शन ये आपके अन्य नाना प्रकार के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः आपके पेपरों के काम के ये हैं, ये लाल लाल लिखे हैं। तो ये 6 दर्शन हैं, इनके प्रवर्तक जरूर देख लेना किसके कौन से प्रवर्तन हैं, क्योंकि ये आपके पेपरों में जरूर आते हैं। अब देखो, अगर हम लोग पदार्थों की बात करें तो सभी दर्शनों में पदार्थ हैं, पदार्थ मतलब तत्व हैं, किन 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 तत्वों पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा है। तो जैसे न्याय दर्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 7 पदार्थ हैं, 4 प्रमाण हैं। वैशेषिक दर्शन में आपके 2 पदार्थ हैं, 6 प्रमाण हैं। योग दर्शन में 6 पदार्थ हैं, 3 प्रमाण हैं। ऐसे ही इनके भी हैं सभी के, लेकिन जो मुख्य मुख्य है वो मैंने आप लोगों को। इसी प्रकार आपके दार्शनिक एवं प्रवर्तकों से अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। पिछली बार 2018 में जो पेपर आया था उसमें ये प्रश्न आ गया था आपका, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसके शंकराचार्य जी हैं, द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य जी, विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य जी, और द्वैतवाद के हैं निम्बकाचार्य जी। ऐसे शैव विशिष्टाद्वैतवाद के हैं श्रीकंठ, भेदा भेदवाद के हैं भास्कराचार्य जी, शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य जी, और अचित्तम भेदा भेदवाद के हैं बलदेव जी। वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद के हैं श्रीपति, और जड़वाद के हैं चार्वाक। तो ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के मैं वीडियो बना रहा था आप लोगों को, इनमें से एक प्रश्न 100% रुद्राष्टाध्यायी, आज का टॉपिक रुद्राष्टाध्यायी। देखो मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था, तो उसमें क्या क्या आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से बना रहा हूँ। रुद्राष्टाध्यायी, रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद यानी कि शुक्ल यजुर्वेद का एक अंग है, एक भाग है, इसका मूल भी वही है, वहीं से लिया गया है। इसमें 8 अध्याय है, इसमें भगवान शिव और रुद्र की स्तुति की गई है, यानी कि हरिहर की रुद्र स्तुति की गई है। हरिहर यानी कि हरि मतलब विष्णु, और हर यानी कि भगवान, हर हर महादेव यानी कि शिव जी की बात की गई है, तो शिव जी की स्तुति है। 1 अध्याय है शिव संकल्प सूत्र, जिसमें 10 श्लोक हैं, और 2 अध्याय है पुरुष सूक्त, उत्तरनारायण सूक्त, ऐसे ही आपके सामने पड़े हो गए हैं, ये आप लोग याद कर लेना। आदित्य सूक्त, बद्र सूक्त, महेंद्र सूक्त, ये सब याद कर लेना। अब इसमें मुख्य चीज़ जानने की है कि इसमें है तो 8 अध्याय, लेकिन 2 अध्याय इसमें और जोड़े गए हैं। तो 2 अध्याय कौन से जोड़े गए हैं इसमें, एक तो शांताध्याय, एक स्वास्थ्य प्रार्थना मंत्राध्याय, ये 9वां और 10वां अलग से जोड़ा गया है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि इसको यमक और चमक अध्याय भी कहते हैं, यानी कि 5वें अध्याय को हम नमक अध्याय और 8वें अध्याय को हम चमक अध्याय कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, देखो जो 5वां है इसमें नमस्ते पद की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, नमस्ते पद के प्रधान से इसे नमक अध्याय भी कहते हैं, और 8वें अध्याय को चमक अध्याय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चकार की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, चकार चकार करके बार बार आया है, तो चकार में बाका बहुमूल होने के कारण, यानी कि बाका बार बार बहुमूल यानी कि इसकी उपयोगिता होने के कारण इसको हम चमक अध्याय भी कहते हैं। इसी रुद्र के 6 अंग बताए गए हैं, हृदय रूपी अंग, सिर और शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र रूपी अंग। तो 6 अंग आपके इसमें भगवान के बताए गए हैं, यानी कि रुद्र के बताए गए, यानी कि शिव के बताए गए हैं। तो एक वीडियो था छोटा सा।